आज का वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको आज बताऊंगा बीटीसी क्या कर सकता है। मार्केट के अंदर काफी ज्यादा स्लो मार्केट चल रहा है, वॉल्यूम नाम की चीज नहीं थी। एंड रात को मैंने एग्जैक्टली आपको इस वाले लेवल से, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको थोड़े से सपोर्ट लेवल दिख जाए, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियसली दो बार यहाँ पे टच किया था, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एंड अगेन मैंने यहाँ पे आपको एक एंट्री दिया था, फिर एक एंट्री लोअर लेवल पे दिया था ताकि मार्केट थोड़ा सा डाउन आता है। एंड आपको आई थिंक नहीं पता होगा कि यहाँ पे रात के टाइम पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ने शॉर्ट पोजिशन ओपन करके रखा हुआ था, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आया एंड उसी टाइम पे शॉर्ट वाले प्रॉफिट के अंदर आना स्टार्ट हुए थे एंड उसी टाइम से मार्केट ने यहाँ से पंप लिया। अब ऊपर कौन से ऐसे लेवल हैं जहाँ पे सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, वो तीन चार लेवल्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मार्केट में अभी आज का डेली क्लोज हमारा काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली हुआ है, तो आने वाले टाइम में हमारे को थोड़ा सा एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है, लेकिन ऊपर कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे सेलर या फिर हमारे शॉर्ट के पोजीशन बैठे हुए हैं, वो दो लेवल हैं, 29,700 वाला और 30,700 वाला, दो अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास 29,700 की रेंज है। अब मैं आपको सिंपली अगर आपका डेली चार्ट में आपको दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर आपको दो तीन लेवल्स दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे डेली का आज हमारा कैंडल काफ़ी परफेक्ट बना है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी, मार्केट नीचे गया था एंड एग्जैक्टली हमने यहाँ से एंट्री करी हुई है। अगर आप फ्री टेलीग्राम के ऊपर नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो आप वहाँ से जाएँ ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री करके ऑलरेडी कैंडल काफ़ी ऊपर सपोर्ट से ऊपर क्लोज हुआ है और आज के दिन मार्केट हमारे को थोड़ा सा ऐसे करके नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। एंड ऊपर हमारे पास दो रेजिस्टेंस लेवल हैं जो कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से यानी 4 आवर 1 आवर में देख के कर रहे हैं तो आपको वो माइंड के अंदर रखने पड़ेंगे। ठीक है, पहली तो हमारी ये ट्रेंड लाइन है, अगर आप देखेंगे तो हमारी पहली ये वाली ट्रेंड लाइन है जो कि अराउंड हमारे को 29,460 के आसपास आती दिखती है, फिर हमारा 29,690, फिर हमारा 29,900 के आसपास। अब सेल ऑर्डर या फिर शॉर्ट के ऑर्डर 29,700 के आसपास लगे हुए हैं, तो इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी स्कैल्प करते हैं तो भाई अपना प्रॉफिट $200-$300 की मूवमेंट पे बुक करें। अगर आप डे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर हैं तो फिर अपना 10x 5x पे रख के थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा सा पंप करेगा। ठीक है, अभी के टाइम पे मार्केट में थोड़ा सा आपका मूवमेंट है और ज़्यादा बड़ा नहीं है। 29,000 पहले 500 पे रेजिस्टेंस है, फिर 700 पे रेजिस्टेंस है, वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी है, तो इसीलिए आज के दिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि डेली क्लोज हमारा परफेक्ट हुआ है आज के दिन, हमारे को काफ़ी अच्छी बाइंग भी दिखी है और अभी ऑलमोस्ट हम लोग 100% के आसपास प्रॉफिट के अंदर, अगर आपने 20x रखा होगा तो 30-40% के आसपास आप प्रॉफिट के अंदर होंगे। तो यही था सिंपल सा अपडेट। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा लेकिन शॉर्ट की पोजीशन वहाँ पे बनी हुई है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये मैंने फ्री टेलीग्राम के ऊपर आपको बताया था कि भाई यहाँ पे देख रहे दो लिमिट आप यूज़ करें, 28,790 पे, 28,427 पे, और हमने वहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट करा था। अभी तो ऑलमोस्ट हम लोग 170% के आसपास प्रॉफिट के अंदर है। ठीक है, फिर ये हमारा फ्री टेलीग्राम है, आप यूजर नेम देख सकते हैं उमरी क्रिप्टो बुल्स के नाम का, तो आपने यही ज्वाइन करना है। अच्छा, सारे मिलके सब्सक्राइब और लाइक कर दो। और ये हमारे प्रीमियम की कॉल जो कि रात को हमने लिया था और हमने पहला टारगेट ही हिट हुआ है। लेट्स सी कि दूसरा टारगेट हिट होता है, मेरे हिसाब से दूसरा हिट होना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही है। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने प्रीमियम ज्वाइन करना है तो छोटा मोटा ज़्यादा फीस नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास $2,000-$3,000 भी है तो आप लाइफ टाइम भी ले सकते हैं, इतना ईजी है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं कल। ओ काफिर।